नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम मुद्दे की बात में। मैं हूं विनोद मिश्रा। आज हम मुद्दा उठाते हैं सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर। सरकार के द्वारा एक नीति तैयार की गई थी कि सिलेंडर पर लोगों के द्वारा सब्सिडी ली जाएगी और फिर जनता के ही खाते में उन्हें दी जाएगी, जिससे कि एक मुश्त राशि भी उनके खाते में पहुँच सके और उन्हें लाभ मिल सके। लेकिन अब जनता कहना चाहती है, क्या आखिरकार सब्सिडी से क्या संतुष्ट है या नहीं? आइए चलते हैं प्रोग्राम के माध्यम से और पूछ लेते हैं। हम मिल तो रही है सर, पर अभी महीनों नहीं आती होगा वो तो, और सिलेंडर 12 हम लोगों की कम पड़ती है। सिलेंडर गवर्नमेंट 15 करती तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज़ हर चीज़ में आ रही है, सिलेंडर हो चाहे गल्ला हो, कंट्रोल का गरीब लोगों को सब्सिडी देते हैं। तो जब उसको पैसे नहीं होंगे तो वो कहाँ से लेके आएगा? अब ऐसा प्लान बना रही है कि सरकार की गेहूँ के पूरा मतलब उसका पूरा मूल लेंगे और गरीब को खाते में जो सब्सिडी होगी वो खाते में दे देंगे, तो उसके पास पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से लेगा? तो डायरेक्ट सिलेंडर सस्ता होना चाहिए। सब्सिडी जो खाते में आती है खाते में नहीं जाना चाहिए, सिलेंडर ही सस्ता होना चाहिए। जो आपका 200 रुपये कुछ सब्सिडी जाता है वो 500 कुछ रुपये का ही सिलेंडर होना चाहिए। सब्सिडी होनी ही नहीं चाहिए। ये जिस तरीके से आज की डेट में पब्लिक के पास पैसा नहीं है, उस हिसाब से जो रेट है वही रेट पे सिलेंडर दिए जाएं। भाई इसमें जरूरत क्या है सब्सिडी की? तो पहले ले लिया, फिर कुछ देर बाद आपने अब उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए, ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। नहीं, मतलब ही नहीं है, इसमें ग्राहक को कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए सब्सिडी तो होनी नहीं चाहिए किसी चीज़ में। सब्सिडी चालू की है ये गलत है, क्योंकि इसमें उपभोक्ता परेशान है। ये सब्सिडी हर हाल में बंद होना चाहिए। सब्सिडी तो गरीबों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है उसका, और बड़े लोगों को लाभ लेने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि ना तो टाइम टू टाइम अकाउंट में पैसा आ पाता है, बहुत से लोगों का अकाउंट में पैसे आ नहीं पाता है, और सब्सिडी से कोई मतलब अच्छा खास मतलब कोई दिख रहा है कोई नफा वहाँ से फ़ायदा, क्योंकि सब्सिडी बताएं आपको लोगों के हित के लिए दी गई थी कि क्योंकि आपको आपको सही टाइम पर सही समय पर सिलेंडर उपलब्ध हो। आपको बहुत ज़्यादा बजट मतलब लो दिख रहा है उसमें, और उसमें कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। आम व्यक्ति परेशान है सब्सिडी से, सब्सिडी अकाउंट में आ नहीं पाती है, और अकाउंट में ना आने के कारण लोग को पता ही चलता है कि कितने महीने की आई कितने की नहीं आई, और लोग परेशान ही रहते हैं। सब्सिडी बंद होनी चाहिए मेरी तरफ से। मैं का विरोध करूँगा, ये सब एक राजनीतिक स्टंट है जिसमें आम जन बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी राय तो यही भैया कि हम लोग को अच्छा नहीं मानते हैं इस बारे में, अच्छा नहीं मानते। सब्सिडी वाला सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं, जनता परेशान है, सब्सिडी बंद होना चाहिए। फिक्स रेट पर जितना जैसे कि 2-1 साल मिलना चाहिए सिलेंडर। स्थानों पर गए और हम इस मुद्दे को रखा कि सरकार के द्वारा जो सिलेंडर पर जो सब्सिडी चालू की गई थी, इससे क्या जनता संतुष्ट है या नहीं? जनता का कहना है कि ये सब्सिडी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जनता को इससे फायदे कम नुकसान ज़्यादा है। गरीब आदमी गरीबी होता जा रहा है और बड़े आदमियों को इसकी सब्सिडी का कोई असर नहीं है। इसको लेकर ये सब्सिडी तत्काल बंद कर देनी चाहिए। और भी तमाम प्रकार की बातें हैं सिलेंडर सब्सिडी के बारे में जनता ने कही, जो आपको देखने के लिए मिली होगी। हमसे जुड़े रहिए, हम इसी तरह के जनता की भी जागरूकता के मुद्दे उठाते रहेंगे।